मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारे वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट के वीडियोस ओपन हो जाएंगे। तो आपको जिस मॉड्यूल का वीडियोस देखना हो आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, तो आपके सामने वहाँ पर सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सत्यम स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में। गाइस, आज के सुपर सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटर टू फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इसको बहुत ही सही तरीके से पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक बार वीडियो में देखने के बाद आपको कम से कम 90% तो आप कंज्यूम कर ही लेंगे। ठीक है, अच्छा, पहले समझते हैं कि पॉइंटर टू फंक्शन होता क्या है। अगर आप जानते हैं कि जो भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का हो, चाहे वो आपका फ्लोट टाइप का हो, चाहे वो आपका एरे हो, आप जानते हैं कि उसका एक क्या होता है, एक उसका एक एड्रेस होता है मेमोरी में। ठीक है, और आप जानते हैं कि हम लोग किसी भी पॉइंटर की सहायता से उस एड्रेस में स्टोर वैल्यू को पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग पॉइंटर की सहायता से किसी भी वेरिएबल, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो फ्लोट टाइप का हो, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का हो, उसको हम लोग पॉइंट करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ऐसा पॉइंटर क्रिएट करते हैं जो किसी इंटीजर नंबर को पॉइंट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। अच्छा, आपने कोई ऐसा पॉइंटर क्रिएट किया है जो किसी करेक्टर टाइप के वैल्यूज़ को पॉइंट करेगा, तो उसको बोलते हैं पॉइंटर टू करेक्टर। लेकिन रुकिए, जब भी जिस प्रकार से आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेमोरी में एड्रेस मिलता है, उसी प्रकार से जो आपके फंक्शंस होते हैं इनका भी एक एड्रेस होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उस एड्रेस को भी पॉइंटर की सहायता से पॉइंट करवा सकते हैं, यानी कि फंक्शन को लोग पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन को पॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, तो चूंकि हम लोग यहाँ पर पॉइंटर से फंक्शन को पॉइंट करवा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पॉइंटर टू फंक्शन। अगर हम इंटीजर को पॉइंट करवाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। तो मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई है तो आपने उसको पढ़ा होगा, और आप उस पीडियो को पढ़ने के बाद ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए आपको दो संख्याओं का निकालना है सम, और आपको इस प्रोग्राम को बनाना है किसकी सहायता से, पॉइंटर टू फंक्शन की सहायता से। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अब देखिए, क्योंकि आप यहाँ पर दो नंबर्स पे काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो वेरिएबल सेलेक्ट करने होंगे। मैंने मान लिया है कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं जो इंटीजर टाइप के हैं। एक का नाम मान लीजिए मैंने मान लिया है एक्स, और दूसरे मैंने मान लिया है नाम वाई। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर आपसे मैं कहता कि आपको यहाँ पर एक्स और वाई को पॉइंटर की सहायता से ऐड करना है, तो आप क्या करते, आप यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट करते, एक आपका एक्स को पॉइंट करता, एक वाई को। यानी कि आप यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखते, आपने मान लिया मैंने पॉइंटर पी वन कॉमा पॉइंटर पी टू। इसका मीन्स क्या है कि जो आपका पी वन है वो आपका एक्स के लिए है, जो आपका पी टू है इसके लिए है, वाई के लिए है। इस प्रकार जो फंक्शन आपका रहेगा इसको क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू इंटीजर। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ पर पॉइंटर टू फंक्शन क्रिएट करना है, मुझे एक ऐसा पॉइंटर क्रिएट करना है जो किसी फंक्शन को पॉइंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया है, देखिए उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहला काम यह है कि आपको यहाँ पर जो आप फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं वो किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा फंक्शन का रिटर्न टाइप। तो मान लीजिए मुझे जो मैं जो बनाने जा रहा हूँ प्रोग्राम, वो क्या करेगा, वो दो संख्याओं का सम मुझे वापस करेगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी दो सम संख्याओं को, यानी कि इंटीजर नंबर की संख्याओं को जोड़ेंगे, तो हमें इंटीजर नंबर ही मिलेगा। यानी कि मैंने बता दिया कि जो मेरा फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब बनाएंगे एक पॉइंटर किसके लिए, फंक्शन के लिए। तो मैंने मान लिया है कि मेरे पास पॉइंटर है। ध्यान दीजिए, जब आप फंक्शन के लिए पॉइंटर बनाएंगे तो आप उसको पैरेंथेसिस के अंदर, जो आपके स्मॉल ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर आप लिखेंगे। मान लीजिए मैंने मान लिया है उसका नाम क्या है, पॉइंटर पी। जो फंक्शन है ये किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर पी, तो मैंने मान लिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो आपका ये फंक्शन आपने बनाया है, ये फंक्शन क्या कोई आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना होता है, इसके बगल में आपको लिखना होता है कि जो आपने बनाया फंक्शन ये किस प्रकार के आर्गुमेंट लेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से पास करूँगा। तो मैंने कहा कि आपको यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी, कैसी, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। मैंने लिख दिया इंटीजर कॉमा इंटीजर। ये आपका होता है किसी भी पॉइंटर टू फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है, आपने इतना कर दिया। इतना करने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो आप फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने बनाया फंक्शन ऐड के नाम से, किसके नाम से, या सम के नाम से। तो मैंने कहा कि जो मैंने बनाया फंक्शन सम, ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे जो सम का एड्रेस है ना, मुझे उसको पॉइंटर टू फंक्शन, जो आपने बनाया है एक पॉइंटर जो फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, उसमें आपको इसको स्टोर करना होगा। तो मैंने कहा कि जो आपका पी है ये क्या है, पॉइंटर टू फंक्शन है, मैंने इसके अंदर सम नाम वाले फंक्शन को इसमें असाइन कर दिया है, ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद पहला काम क्या, सॉरी मैंने इसको यहाँ से मुझे नहीं लाना चाहिए, ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अच्छा, इतना आपका हो गया। अब पहला काम क्या रहेगा कि हम लोग यहाँ से
मैसेज देंगे यूज़र को प्रिंट एफ कि भैया आप वैल्यू दीजिए, इंटर द वैल्यू, मैंने यहाँ से वैल्यू इंटर करा ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे उन वैल्यूज़ को स्कैन एफ की सहायता से परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर दो बार, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर दो वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं और पहली वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया एड्रेस ऑफ एक्स पे और दूसरे को एड्रेस ऑफ वाई पे, इतना मैंने कर लिया। अच्छा अब देखिए हमको ये एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, पास करनी है, एक फंक्शन है सम, तो कैसे पास करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम लोग यहाँ पर पी को, यानी जो आपका पॉइंटर है उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि एक आपका पॉइंटर है पी जो किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, इसमें मैंने यहाँ से इनकी वैल्यूज यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ से हमने पास कर दी है बस। तो यानी जो काम अभी तक आप फंक्शन से कर रहे थे आप उसको फंक्शन की सहायता से नहीं करेंगे बल्कि आप यहाँ पर पॉइंटर की सहायता से करने वाले हैं, ठीक, आपने इतना कर दिया। इतना करने के बाद अच्छा अब देखिए चूँकि जो आपका यह फंक्शन है ना सम नाम का, ये आपको क्या करेगा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको उसको यहाँ प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डॉट फंक्शन को यहीं से कॉल कर देता हूँ प्रिंट एफ के अंदर से, मैंने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है प्रिंट एफ कि भैया जो आपका आंसर है ना द आंसर इक्वल परसेंटेज डी, और आपको यहाँ पे क्या करना है आपको इसकी जगह पे सबसे पहले आप कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद जो आपको मिलेगा वहाँ से रिटर्न टाइप में आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर दीजिएगा परसेंटेज डी की जगह पे। मैंने आपको इसके बारे में पहले से बता रखा है, अगर आप चाहते हो तो आप एक लाइन बढ़ा सकते थे, ठीक है, तो आपको उसके लिए एक वेरिएबल मानना पड़ता, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगाएंगे फंक्शन गेट सी एच, मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस, तो जो आपका मेन प्रोग्राम था वो रेडी हो चुका है। लेकिन अभी रुकिए, अभी आपको फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की जो होती है डिक्लेरेशन वो बाकी है, ठीक है। तो मैंने, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिफाइन कर दिया हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कि आपको एक फंक्शन मिलेगा जो कैसा है इंटीजर टाइप का है, नाम क्या है उसका, मैंने नाम रखा था उसका सम, तो मैंने कहा एक फंक्शन है सम जिसका रिटर्न टाइप कैसा है इंटीजर है, और वो क्या कर रहा है वो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो आपको पहले वाले आर्गुमेंट को ए के अंदर और दूसरे वाले आर्गुमेंट को बी के अंदर आपको उसको स्कैन करना है, एक्सेप्ट करना है, कैच करना है, ठीक, आप जो कहें आप कह सकते हैं, ठीक। अच्छा चूंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिफिनेशन लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई एरर इसमें नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, आपको ए और बी ऐड करना है, ठीक है, और आपको वही रिटर्न करना है। तो मैंने लिख दिया कि आपको यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू को रिटर्न करना है। तो जो आपका प्रोग्राम था पॉइंट टू फंक्शन का, ये आपका रेडी हो चुका है। अब मैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई मिस्टेक तो वैसे है नहीं, फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, तो इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। और ये पूछ रहा है कि इंटर द वैल्यूज़, तो मैंने कहा कि आप ले लीजिए पहले 4 और ले लीजिए 5, मैंने एंटर किया तो यहाँ लिख के आ चुका है द आंसर इक्वल 9। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको मैंने कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप उसे बेचक कमेंट कर सकते हैं। अच्छा आप उन्हें क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंटर के अंदर से कॉल ना करता तो मैं इसको कैसे लिखता, तो मेरे भाई आपको यहाँ पर एक अन्य वेरिएबल लेना पड़ता है, मैंने यहाँ पर मान लिया एग्जांपल के लिए रिज़ल्ट, ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप से करना होता है। मैंने यहाँ पर मान लिया रिज़ल्ट, रिज़ल्ट क्या करेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे इस जो आपका फंक्शन है ना ये पॉइंटर फंक्शन पॉइंट टू फंक्शन, पहले हम लोग क्या करेंगे उसको पहले यहाँ से हटाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, पहला काम ये रहेगा कि हम लोग यहाँ से इस पॉइंट टू फंक्शन को यहाँ से वेरिएबल पास करेंगे, कौन कौन से एक्स और वाई आपने पास कर दिया। अब देखिए जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये बदले में क्या देगा, आपको कुछ वैल्यूज रिटर्न करेगा, तो आपको उस वैल्यू को कहीं स्टोर करना होगा, तो उसके लिए मैंने माना था रिजल्ट वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपको उस वैल्यू को रिजल्ट के अंदर नाम के वेरिएबल में आपको उसको सेव कर लेना है, तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपकी रिजल्ट में सेव हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट की वैल्यू को यहाँ से प्रिंट कर देंगे। तो आपका दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते थे। तो मैंने इसको कंपाइल कराया तो इसमें कोई एरर नहीं है, और ये पूछ रहा है हमसे कि इंटर द वैल्यूज़, तो मैंने कहा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, पहली वैल्यू को लेनी है 45 और दूसरी आपको लेनी है 5, मैंने एंटर किया तो यहाँ लिख के आ चुका है द आंसर इक्वल 50। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर पॉइंटर टू फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको मैंने कोई क्वेश्चन रह गया छोटा छोटा तो आप उसे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट रीड भी करता हूँ और उन्हें लाइक भी करता हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो तब मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारे वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी
मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट के वीडियोस ओपन हो जाएंगे, तो आपको जिस मॉड्यूल का वीडियोस देखना हो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने वहाँ पर सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे।